फ्रेंड आज आप लोग को मैं बताऊंगा टाटा नेक्सॉन ईवी के बारे में। इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये रेडी नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, और जब तक रेडी नहीं होगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसका जो मूड है वो चेंज नहीं होगा, ड्राइविंग मूड लगेगा नहीं, स्पोर्ट्स मूड नहीं लगेगा, रिवर्स मूड नहीं लगेगा। तो इसको हम लोग चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। और सबसे पहले तो जितने लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचते रहे। ये फ्रेंड टाटा नेक्सॉन ईवी है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एक बार ही रेडी होता है। मैं आपको दिखलाऊंगा रेडी करके, देख सकते हो अभी रेडी हो गया है, एंड के नीचे में रेडी लिखा हुआ है। और फिर मैं इसको बंद करके चालू करूंगा, देख सकते हो फ्रेंड इस बार ये रेडी नहीं हुआ है। इसमें यही प्रॉब्लम है, ये एक बार ही रेडी होता है। फिर से मैं इसको रेडी करूँगा, देख सकते हो इस बार भी ये रेडी नहीं हुआ। इसमें फ्रेंड प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ एक बार ही रेडी होता है। इसको कुछ सेकंड बाद फिर से मैं रेडी किया, देखो, और ये रेडी नहीं हुआ। अगर रेडी होगा तो ये एक से दो सेकंड के अंदर रेडी हो जाएगा, बट ये रेडी नहीं हो रहा है। देख सकते हो इग्निशन का सिंबल आ रहा है और ब्रेक का सिंबल आ रहा है। इसमें फ्रेंड ब्रेक स्विच अलग है और ब्रेक में सेंसर लगा हुआ है, तो ये सेंसर वर्क कर रहा है, देख सकते हो। और इसको मैं रेडी करूँगा तो ये इग्निशन का सिंबल भी चले जाएगा, देख सकते हो इग्निशन का सिंबल नहीं आ रहा है, लाइट आ रहा था। अभी इसको रेडी होना चाहिए बट ये रेडी नहीं हुआ। फिर से मैं इसको बंद करके चालू करूँगा, देख सकते हो फ्रेंड इस बार भी ये रेडी नहीं हुआ और कोई लाइट भी शो नहीं कर रहा है। मैं इसको जितनी बार भी रेडी कर रहा हूँ ये रेडी नहीं हो रहा है। इसका फ्रेंड हम लोग स्टार्टर से चेंज करेंगे। मैं इसको खोल के रखा हूँ, इसके कवर को निकालना पड़ता है और इसका स्विच को हम लोग चेंज करेंगे। पेप स्विच है ये, अब हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं। देख सकते हो फ्रेंड ये रेडी हो गया। फिर से मैं इसको ऑफ करके ऑन करूंगा, गियर भी शिफ्ट हो रहा है। इस बार फ्रेंड ये रेडी नहीं हुआ फिर से। फिर से मैं रेडी करूंगा एक बार ऑफ करके। देख सकते हो फ्रेंड फिर से ये रेडी नहीं हुआ। इसका पेप स्विच हम लोग न्यू लगाए हैं बट ये फिर भी रेडी नहीं हो रहा है। इसको रेडी होना चाहिए इतने देर में बट ये रेडी नहीं हुआ। स्टीयरिंग भी इसका हार्ड है, पुश बटन भी चेंज किए बट इसमें पुश बटन का प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हो इस बार भी ये रेडी नहीं हुआ। इसमें हम लोग नया पेप स्विच लगाए हैं फिर भी ये रेडी नहीं हो रहा है। इसका फ्रेंड हम लोग VCU चेंज करके देखेंगे। इसमें VCU लगा होता है, इंजन वाली गाड़ी में ECM लगा होता है और इसमें VCU लगा है ECM की जगह, तो हम लोग इसका VCU चेंज करेंगे। इसमें फ्रेंड देख सकते हो ग्रीन लाइट भी जल रहा है पेप्स में,
इसको रेडी होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से सप्लाई जा रहा है बट ये स्टार्ट नहीं हो रहा, रेडी नहीं हो रहा। हम लोग फ्रेंड इसका VCU को चेंज करके देखते हैं क्या होता है। और फ्रेंड जब मैं VCU का मेन रिले निकालता हूँ, देख सकते हैं ये मेन रिले VCU का, यहाँ पास लिखा हुआ है इसके बॉक्स में VCU मेन रिले। जब मैं इसका VCU का रिले निकालता हूँ तो ये फिर से एक बार रेडी होता है और फिर दोबारा रेडी नहीं होता है। ये मैं VCU का रिले निकाला और अगर मैं अभी रेडी करूँगा तो ये फिर से एक बार रेडी होगा। मैं इसका फ्यूज़ चेक किया, रिले चेक किया तो पता चला कि रिले निकालने से एक बार रेडी होता है। देख सकते हो ये रेडी हो गया। फिर मैं दोबारा इसको ऑफ करके ऑन करूँगा, रेडी करूँगा तो ये रेडी नहीं होगा। देख सकते हो फ्रेंड ये रेडी नहीं हुआ, फिर से ये एक बार ही रेडी हुआ। रिले को निकालने से सिर्फ एक बार रेडी होता है और फिर ये रेडी नहीं होता, या फिर टर्मिनल निकालने से एक बार रेडी होता है। देख सकते हो ये स्टार्ट नहीं हुआ। हम लोग फ्रेंड इसका VCU चेंज करेंगे, इसका VCU चेंज करके देखते हैं क्या होता है। इसका पेप स्विच तो हम लोग चेंज कर लिए हैं, VCU चेंज करेंगे इसका। इसमें कोई लाइट भी नहीं आ रहा है। ये फ्रेंड इसका VCU है ऑक्स बैटरी के साइड में। मैं इसमें दूसरे गाड़ी का VCU लगाऊंगा। VCU हम लोग लगा के चेक कर सकते हैं। ये VCU है देख सकते हो, ECM की जगह VCU है। इसमें इंजन वाली गाड़ी में ECM लगा होता है और इसमें VCU लगा है, व्हीकल कंट्रोल यूनिट। इसको हम लोग चेक करेंगे लगा के। हम लोग फ्रेंड ऊपर से ही कपलर को लगाएंगे, पूरा VCU को निकालेंगे नहीं, ऊपर से लगा के चेक करेंगे, प्रॉब्लम देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं। और सबसे पहले तो फ्रेंड जितने लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचते रहे। ये फ्रेंड हम लोग जिस EV में काम कर रहे हैं वो प्राइम है और एक और है वो मैक्स है। तो अभी हम लोग प्राइम में काम कर रहे हैं, प्राइम का VCU चेंज कर रहे हैं हम लोग अभी। मैं फ्रेंड इसमें VCU लगा दिया और इसका MHD लगाऊंगा। ये इसका MHD है और फिर इसका टर्मिनल लगाऊंगा मैं, नेगेटिव टर्मिनल निकाल के मैं इसका VCU चेंज किया। और फ्रेंड कभी भी काम करते टाइम हम लोग को नेगेटिव टर्मिनल डिसकनेक्ट करना है और इसका MHD भी, दोनों डिसकनेक्ट करना है। मैं इसका बैटरी टर्मिनल लगाऊंगा और बैटरी टर्मिनल को भी ठीक से टाइट करना है अच्छे से, क्योंकि लूज कनेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आता है। देख सकते हो फ्रेंड ये रेडी हो गया, अभी ये रेडी है। फिर से इसको मैं ऑफ करके ऑन करूँगा, रेडी करूँगा। देख सकते हो फ्रेंड फिर से ये रेडी हो गया दूसरी बार। फिर से ये रेडी हो गया तीसरी बार, थर्ड टाइम है ये। फिर से मैं इसको रेडी करूँगा, ऑफ करके ऑन करूँगा। इसका स्टीयरिंग भी फ्री है, हार्ड नहीं है। देख सकते हो
देख सकते हो फ्रेंड रेडी लिखा हुआ है। अभी मैं जितनी बार स्टार्ट किया हूँ अभी तक रेडी हो रहा है, फिर से रेडी हुआ। फिर से रेडी हो गया। मैं इसको 6 से 7 बार अभी तक रेडी कर दिया हूँ। फिर रेडी किया, फिर से रेडी हो गया। इसका स्टीयरिंग भी फ्री है। फिर से रेडी हुआ, देख सकते हो फ्रेंड अभी कंटिन्यू रेडी हो रहा है। इसका पेप स्विच चेंज किए हम लोग, इसमें नया पेप स्विच लगा है, लेकिन इसमें पेप स्विच का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें VCU का प्रॉब्लम है। फिर से मैं स्टार्ट करूँगा। देख सकते हो फ्रेंड अभी एक बार में रेडी हो रही है, पहले ये सिर्फ एक बार ही रेडी हो रहा था और अभी कंटिन्यू रेडी हो रहा है। मैं जितनी बार अभी इसको रेडी किया हूँ कंटिन्यू रेडी हो रहा है। हम लोग फ्रेंड फिर से वापस VCU को चेंज करेंगे, पुराना वाला VCU लगाएंगे, और उसके पहले तो हम लोग टर्मिनल निकालेंगे। टर्मिनल निकाल के डिसकनेक्ट करेंगे हम लोग सप्लाई। हम लोग फ्रेंड फिर से वापस पुराना VCU लगाएंगे, इसमें पुराना VCU को कनेक्ट करेंगे। ये इसमें हम लोग नया VCU लगाए हैं। और फ्रेंड हम लोग को VCU को चेंज करते समय भी ध्यान देना है, चाहे कोई भी गाड़ी का VCU हो, क्योंकि इसमें छोटा छोटा पिन होता है और उसके बेंड होने की वजह से भी बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है। तो हम लोग को पिन को भी ध्यान देना है VCU लगाते समय, चाहे इंजन वाली गाड़ी में ECU लगाते समय, चाहे कोई भी कपलर लगाते समय हम लोग को ध्यान देना है पिन बेंड ना हो। और फ्रेंड कपलर को अच्छे से प्रेस करके लॉक करेंगे। देख सकते हो मैं अच्छे से प्रेस किया और लॉक किया, लूज कनेक्शन नहीं रहना चाहिए और कपलर भी अच्छे से लॉक होना चाहिए। मैं इसका टर्मिनल लगाऊंगा। देखते हैं अभी क्या होता है। इसमें फ्रेंड हम लोग पुराना वाला VCU को लगाए हैं, अभी कनेक्ट किए हैं, जो इस व्हीकल में पहले लगा हुआ था। देख सकते हो फ्रेंड ये रेडी हो गया। फिर से मैं इसको रेडी करूंगा ऑफ करके। देख सकते हो ये इस बार रेडी नहीं हुआ। क्रिटिकल फॉल्ट भी आ रहा है और ये रेडी भी नहीं हो रहा है। ये फ्रेंड एक ही बार रेडी हुआ पुराने VCU में, जो इस व्हीकल में पहले लगा हुआ था। देख सकते हो अभी क्रिटिकल अलर्ट आ रहा है। इसमें फ्रेंड इसी गाड़ी का VCU लगा है और फिर इसको स्टार्ट कर रहे थे हम लोग, देख सकते हो रेडी नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रही है। और इसमें अभी क्रिटिकल अलर्ट का भी सिंबल आ रहा है। इसमें फ्रेंड फिर से हम लोग न्यू VCU को लगाएंगे। हम लोग फिर से नया VCU लगा के देखते हैं, कंफर्म करते हैं।
वैसे तो कन्फर्म है क्योंकि हम लोग पेप स्विच लगाए तो रेडी नहीं हो रहा था, और VCU को चेंज किए तो रेडी हो रहा है। बट एक बार हम लोग फिर से नया VCU को लगाएंगे और रेडी करेंगे। मैं फ्रेंड इसका VCU का रिले निकाल रहा था, मेन रिले, तो ये रेडी हो रहा था, तो मैं सोचा कि इसका VCU भी चेंज करके देखूं, और चेंज किया तो ये अभी रेडी हो रहा है। बट एक बार कन्फर्म करेंगे हम लोग। इसमें फिर से हम लोग नया VCU लगाएंगे और इसका बैटरी टर्मिनल भी डिस्कनेक्ट करेंगे और इसका MHD भी डिस्कनेक्ट करेंगे, नहीं तो क्रिटिकल लाइट शो करेगा ये। हम लोग फ्रेंड फिर से नया VCU को कनेक्ट करेंगे, वापस से इसको लगाएंगे और देखते हैं स्टार्ट करके, अब रेडी करके कंफर्म करेंगे फ्रेंड इस बार। अगर इस बार रेडी हो रहा है मतलब VCU का प्रॉब्लम है इसमें। इसमें फ्रेंड कोई सिम्बॉल भी नहीं आ रहा था और DTC भी किसी चीज़ का दिखला नहीं रहा था, कोड कोई ओपन नहीं हो रहा था इसका। देख सकते हो फ्रेंड इसमें पतला पतला पिन है और इसको हम लोग को ध्यान से लगाना है, देख के लगाना है, पिन बेंड नहीं होना चाहिए। एक भी पिन अगर बेंड होगा तो फिर इसमें प्रॉब्लम आएगा ECU में। अभी तो बेंड नहीं है फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है। हम लोग फ्रेंड VCU लगा दिए, अब इसका MHD लगाएंगे और इसका टर्मिनल लगाएंगे ऑक्स बैटरी का। MHD भी डिस्कनेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड क्योंकि इसमें क्रिटिकल फॉल्ट आने लगता है, इसलिए MHD भी डिसकनेक्ट करना है और इसका टर्मिनल भी डिसकनेक्ट करना है, निकालना है नेगेटिव टर्मिनल। इसको फ्रेंड हम लोग चेक करेंगे अब फाइनल। देख सकते हो फ्रेंड फर्स्ट टाइम ये रेडी हो गया, इसका स्टीयरिंग भी फ्री है व्हील, तो दोबारा स्टार्ट करेंगे। देख सकते हो ये सेकेंड टाइम भी रेडी हो गया। ये फिर से रेडी हो गया तीसरे बार। इसको फ्रेंड हम लोग 5-6 बार ऑन ऑफ करके देखते हैं रेडी होता है कि नहीं। अभी तो ये कंटिन्यू रेडी हो रहा है। इसका फ्रेंड गियर भी शिफ्ट हो रहा है, मूड चेंज हो रहा है। देख सकते हैं ड्राइविंग मोड, स्पोर्ट्स मोड, ड्राइविंग मोड, न्यूट्रल, रिवर्स, न्यूट्रल। इसका फ्रेंड गियर मोड भी चेंज हो रहा है और ये स्टार्ट भी हो रहा है, एक बार में रेडी हो रहा है। देख सकते हो रेडी हो गया। फिर से रेडी करेंगे इसको। देख सकते हो फ्रेंड तुरंत रेडी हो रहा है जस्ट में, और इसका मूड भी चेंज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है और कोई लाइट भी शो नहीं कर रहा है इसके डिस्प्ले में। इसके मीटर में कोई लाइट नहीं आ रहा है, कोई सिम्बॉल नहीं आ रहा है, क्रिटिकल फॉल्ट का सिम्बॉल आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है, और इसका व्हील भी एकदम फ्री है। पहले ये रेडी नहीं हो रहा था, इसका व्हील इसलिए हार्ड था, अभी ये रेडी हो रहा है तो इसका व्हील भी फ्री हो रहा है, मोटर इसका काम कर रहा है। पहले ये रेडी नहीं हो रहा था इसलिए इसका स्टीयरिंग का मोटर भी वर्क नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा था, अभी ये ठीक है। इसमें फ्रेंड हम लोग पुराना पेप स्विच लगाएंगे एक बार,
और देखते हैं लगा के क्या होता है। वैसे तो इसका VCU का प्रॉब्लम है कंफर्म, बट एक बार हम लोग पुराना स्विच भी लगाएंगे। और फ्रेंड जितने लोग मेरे चैनल पे नए, मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचते रहे। देख सकते हो फ्रेंड रेडी हो रहा है, फिर से रेडी करेंगे इसको। देख सकते हो ये दूसरी बार भी रेडी हो गया, फिर से रेडी करेंगे। देख सकते हो तीसरी बार भी रेडी हो गया, मतलब इसके स्विच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके VCU में प्रॉब्लम था, हम लोग इसका VCU चेंज किए। और फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा।